हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माय सेल्फ बिंदु प्राशर। सो गाइस, बायोलॉजी के अंदर जो है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनिमल किंगडम को, जिसके अंदर हम जो है अभी तक एनालिडा तक जो है वो फाइलम को स्टडी कर चुके हैं। आज जो फाइलम हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इस फाइलम का नाम है, जिसमें कि आर्थोस का मतलब होता है सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, और पोड्स मतलब फीट। यानी कि ये वो फाइलम है जिसके अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी, और इसमें जो फुट है वो कैसे होंगे, सेगमेंटेड होंगे। द एनिमल्स वेयर द सेगमेंटेड फीट। ओके, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसके हैबिटेट को। तो मोस्टली इसमें जो हमारे पास एनिमल्स, या देखिए इसमें आर्थ्रोपोडा में मेनली जितने भी इंसेक्ट हैं इस धरती के ऊपर, वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। इसमें धरती पर जितने भी हमारे पास स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है, उनमें से 2/3 यानी 80% ऑफ स्पीशीज जो मोस्टली है वो कंटेन करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। यानी कि 80 अगर हम लेके चल रहे हैं तो 2/3 ऑफ द स्पीशीज, एनिमल जो स्पीशीज है वो मोस्टली कौन कवर कर रहा है, आर्थ्रोपोडा। और ये सबसे जो है जिसे हम कह सकते हैं लार्जेस्ट फाइलम है, जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है। लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमल किंगडम में, बहुत सारे जो एनिमल इंसेक्ट्स है इस किंगडम सॉरी फाइलम के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके कि मोस्टली इसमें जितने भी जो इंसेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, टेरिस्ट्रियल होंगे। हैबिटेट की बात कर रहे थे, तो अभी तक जितनी भी फाइलम्स हमने स्टडी करी हैं वो या तो मेराइन थी या फ्रेश वाटर वाली थी। अभी जो हम फाइलम जो हमने करी है एनिलिड्स, उसमें जो था अर्थवर्म था, ठीक है, वो हमें कहाँ मिलता था, वो टेरिस्ट्रियल था। बाकी जो हमारे पास थे कैटलीज थी, हिडुनेरिया, वो कहाँ मिलती थी हमें, वो मिलती थी फ्रेश वाटर के अंदर। नेरिस की बात करें तो वो था मेराइन। बाकी भी फाइलम अभी तक जितनी पड़ी थी या तो वो अक्वाटिक स्पीशीज थी, मेराइन थी, या फ्रेश वाटर वाली थी। इसमें हमारे पास मोस्टली जो होंगे वो हमें टेरिस्ट्रियल हैबिटेट वाले जो इंसेक्ट्स जो है वो मिलेंगे। तो इसमें मोस्टली जो होगा वो कैसा होगा, टेरिस्ट्रियल। एक्सेप्शन तो सबके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें, बॉडी सिमेट्री जो है वो कैसी होगी, बायलेटरल सिमेट्री जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर देखी जा सकती है। उसके बाद अगर जर्म लेयर की बात करते हैं, जर्म लेयर, तो ये ट्रूली ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, इसका मतलब है इसके पास 3 जर्म लेयर होंगी। कितनी होंगी, 3 जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जैसे हम सिलोमेट कैविटी की बात करते थे, सिलोम की बात करते थे, तो इसमें जो सिलोम होगा वो कैसा होगा, मीजोडर्म से लाइंड होगा, दैट इज लाइंड बाय द मीजोडर्म। तो अगर क्वेश्चन आए कि ये कैसे है, तो ये हमारे पास सिलोमेटिक है, ठीक है। सिलोम इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा, बॉडी कैविटी जो है उसमें हमारे पास वो मीजोडर्म से लाइंड रहेगी। ये कैविटी जो है ये मीजोडर्म से टोटली लाइंड होगी,
ओके अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इसकी जो बॉडी वॉल है उसके ऊपर जो है अब इसमें स्केल्टन एक्सोस्केल्टन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, चिटनस जो है यानी चिटिन का बना हुआ एक्सोस्केल्टन जो है इसके बाहर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब देखिए इसकी बॉडी हम मोस्टली क्या बोल रही है, किस तरह की है, सेगमेंटेड है, इसमें हेड भी होगा, थोरेक्स भी होगा और एब्डोमेन भी होगा। नेक्स्ट बात की हमने कि बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, तो बॉडी जो डिवीजन हुई है वो किसमें है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। अब कई बार क्या होता है कि टू बॉडी सेगमेंटेड जो होती है, जैसे कि हमारे पास हेड और थोरेक्स है, अगर वो एक साथ ज्वाइन है दैट इज नोन एज सिफेलोथोरेक्स। बॉडी डिवीजन है हेड में, थोरेक्स में एंड एब्डोमेन में, तो ये अगर फ्यूज्ड है आपस में तो ये क्या कहलाएगा, सिफेलोथोरेक्स। अब माउथ की बात करें तो इसमें जैसे पिछली फाइलम थी उसमें माउथ से लेके एनस तक हमारी बॉडी जो तैयार थी, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो माउथ है वहां पे भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स अब प्रेजेंट है, तो माउथ के जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है वो फूड ले रहा है। अगर हम बात करते हैं च्यूइंग टाइप, यानी कि वो अगर चबा के खा रहा है तो इस तरह का जो है, आपने देखा होगा कई बार कॉकरोच में ना इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, इससे अपने जो फूड होता है उसको जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके ये खाता है, यानी कि तोड़ तोड़ के खाता है। अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाईज में, तो जो बटरफ्लाई का माउथ होता है उसके अंदर ना इस तरह से निकलती है, जो बाद में इस तरह से टर्न हो जाती है, ठीक है, तो इसमें सिफोनिंग टाइप ये क्या करती है, जैसे फ्लावर है, फ्लावर में ये नेक्टर लेने के लिए, ठीक है, जैसे ये अगर बटरफ्लाई बैठ रही है तो ये नेक्टर लेने के लिए इस तरह से जो है ये सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ इसमें प्रेजेंट होगा और यहां से ये उसको सक करेगी। स्पंजिंग टाइप जो है वो हाउस फ्लाईज के अंदर रहता है। उसके बाद प्रीसिंग, आपने मॉस्किटो देखा होगा, वो एक पिन सी जो है, ठीक है, इस तरह से जैसे सुई जो होते हैं ना उस तरह से जो है वो हमें बाइट करता है, तो पिर्सिंग और सकिंग टाइप, उसने सक करना होता, हमारा खून भी तो पीना होता है, तो सकिंग टाइप जो माउथ है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मॉस्किटोज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपेंडेजेस की, तो इसके पास अब हाथ बाजू सब कुछ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जैसे हनी भी है, ठीक है, इसकी इस तरह से सेगमेंटेड लेग्स होंगी, इस तरह से होंगी, ठीक है, इस तरह से, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए जो है वो अपेंडेजेस इनके अंदर प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेड होंगी इनकी अपेंडेजेस भी, कैसी होंगी, सेगमेंटेड होंगी। अगर हम बात करते हैं हनी बी की, ठीक है, हनी बी में क्योंकि डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होंगे, सॉरी जो डिफरेंट इंसेक्ट होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है। अब हनी बी का काम क्या है, एक तो उसको नेक्टर कलेक्ट करना होता है, ठीक है, उसने हनी बी तो बनाना है, दूसरा उसने क्या करता है, पोलिनेशन में उसको हेल्प करना है, तो पोलन कलेक्शन के लिए, ठीक है, पोलन कलेक्टिंग, यानी कि इस तरह से उसकी अपेंडेजेस होंगी कि अगर वो फ्लावर पे बैठती है तो उसके ऊपर जो है वो पोलन क्या कर जाए, चिपक जाए, उसके साथ जो है वो जो है कलेक्ट हो जाए, दैट्स व्हाई वो पोलन पोलिनेशन जो है वो कर सके। अगर हम देखें ग्रास होपर में, ठीक है, तो ग्रास होपर में हमारे पास जंपिंग, आपने कभी देखा है ग्रास होपर को, ठीक है, इस तरह से उसकी
अपेंडेजेस होती हैं, तो क्या करता है वो उछल उछल के चलता है, ठीक है। तो वो जंपिंग अपेंडेजेस जो है वो ग्रास ऊपर के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके पास किस तरह से होगी, कंप्लीट होगी, कंप्लीट भी होगी और साथ में क्वाइल्ड भी होगी। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट हो चुकी है भाई, अब ये कंप्लीट है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है ये क्वाइल्ड भी हो चुकी है। क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर अब गिल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट है फॉर द रेस्पिरेशन। अभी तक जितनी भी फाइलम हमने स्टडी करी थी उनमें क्या था, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही वो रेस्पायर कर रहे थे, लेकिन आर्थ्रोपोड क्योंकि वो तो मोस्टली कैसे थे, एक्वेटिक फॉर्म्स आ रही थी, मोस्टली एक्वेटिक फॉर्म्स थी अभी तक जितनी भी फाइलम थी। अब जो है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट वाले हैं, इनको बाहर भी रहना है और कुछ स्पीशीज इसकी जो है वो एक्वेटिक भी हैं। तो जो हमारे पास टेरिस्ट्रियल हैं उनके अंदर गिल्स और लंग्स टाइप्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट है, और जो हमारे पास एक्वेटिक हैं उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेशन जो होती है आर्थ्रोपोडा में उसमें गिल्स भी हैं और ट्रैकिया भी हैं। जो गिल्स हैं, जो प्रॉन है, जो एक्वेटिक फॉर्म है उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट है। कॉकरोच जो कि टेरिस्टल है उसके अंदर जो है ट्रैकिया प्रेजेंट है। किंग क्रैब जो है उसके अंदर बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्कॉर्पियन है उसके अंदर बुक लंग्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। अब एक एडवांस्ड फीचर आ रहा है आर्थ्रोपोडा के अंदर। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एस हेलिमेंथिस थी उसमें हमारे पास जो थी वो मसल्स प्रेजेंट थी, लेकिन ओनली केवल जो थी वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही उसमें प्रेजेंट थी। अब जो फाइलम नेक्स्ट थी हमारे पास दैट इज एनिलिडा, उसके अंदर सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट थी। आर्थ्रोपोडा में भी मसल्स हैं, लेकिन इसमें एडवांस फीचर क्या रहा है, वोलेंट्री। फर्स्ट फाइलम है हमारे पास जिसमें कि वोलेंट्री मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। वोलेंट्री मसल्स फर्स्ट फाइलम आ रही है हमारे पास जिसमें वोलेंट्री मसल्स प्रेजेंट है, दैट इज आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो हमने फाइलम पढ़ी थी एस हेलिमेंथिस, उसमें क्या था, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थे। एनिलिडा के अंदर जो था मेटानेफ्रीडिया उसके अंदर जो था वो प्रेजेंट था। अब जो फाइलम है हमारे पास आर्थ्रोपोडा, इसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि एंटेनरी ग्लैंड जो है वो प्रॉन के अंदर प्रेजेंट होंगे, माल पिजियन ट्यूब्स जो है वो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होंगे, और कोक्सल ग्लैंड जो है वो स्कॉर्पियन के अंदर प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट इंसेक्ट्स, डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो पिछली फाइलम एनिलिडा के अंदर ही जो थी वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, क्लोज्ड था। अब जो फाइलम है एडवांस फीचर लेके आएगी, ओपन है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके पास तो हर्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन कैसा है, ट्यूबुलर हर्ट है। ब्लड है इसके अंदर लेकिन कलरलेस है, जिसे हम हीमियोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, दैट इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई ब्लड इज कलरलेस एंड नोन एज हीमोलिम्फ। हार्ट है इसके अंदर ट्यूबुलर है, ठीक है, ट्यूबुलर हार्ट होगा, और उसके पास ऑस्टिया भी प्रेजेंट होता है, डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट होता है और परफोरेटेड बाय पोर, उसके ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज नोन एज ऑस्टिया।
अब बच्चों सबसे एडवांस फीचर जो है, बाकी फाइलम थे उनसे एडवांस फीचर जो है वो आर्थ्रोपोड अपने अंदर लेके आ रहे हैं, फर्स्ट एनिमल्स दैट हैव एंडोक्राइन सिस्टम। अभी तक किसी फाइलम में एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इस फाइलम में जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ये क्या करते हैं, सम इंसेक्ट सीक्रेट करेंगे फीरोमोन्स, ठीक है, फीरोमोन्स इन एयर। ये जो है किसी अपोजिट सेक्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकते हैं, कोई रास्ता भूल गया है तो एज ए पाथ, हां जी भाई कहाँ जाना है आपको, ठीक है मैं रास्ते में फिरो हॉर्मोन्स छोड़ता जाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। तो ये पाथ इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स को अगर जो है अट्रैक्ट करना है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो बॉम्बी कॉल जो है फीमेल मोथ के द्वारा जो है वो रिलीज होता है, सिक्रीट होता है टू अट्रैक्ट द फीमेल, सॉरी ठीक है, फीमेल जो है वो सिक्रीट करेगी बॉम्बी कॉल किसके लिए, मेल के लिए, उसको बताएगी हेलो मैं इधर हूं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं अलार्म सिग्नल के लिए भी जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं। तो पहली फाइलम आ रही है भाई, अभी तक किसी फाइलम में जो था एंडोक्राइन सिस्टम जो था वो प्रेजेंट नहीं था। फर्स्ट फाइलम याद रखना है आर्थ्रोपोडा था, जिसके अंदर जो है वोलेंट्री मसल्स भी आ रही है। इसका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट है, सेगमेंटेड बॉडी है, माउथ थोरेक्स और एब्डोमेन इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जो भी जो है वो प्रेजेंट है, फिरोमोन्स जो है ये एयर के अंदर सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। पिछली फाइलम में भी हमारे पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट था, इसमें भी फॉर्म्ड ऑफ सर्को ओसोफेंजल नर्व रिंग से ये जो है इसका नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है, सर्कमो ओसोफेंजल नर्व रिंग से ये बना है, और इसमें डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड भी प्रेजेंट होगी। नर्व कोड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा। अब इसमें क्या होती है, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है माउथ के ऊपर ना, यहाँ पे कंपाउंडेड आईज भी इसके पास जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। सो अब जो आर्थ्रोपोडा है उसमें कंपाउंडेड आई होती है, हमारी आंख है भाई सब कुछ जो है जैसा है वैसा देख रही है, इन्वर्टेड इमेज जो भी, वर्चुअल इमेज जो भी बन रही है, ठीक है। लेकिन इनकी जो आईज होती है वो कैसी होती है, देखो मान लो कि ये आईज है, मान लो ये आईज है, तो इसमें क्या होगा, बहुत इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होंगे, ठीक है। ये जो है इस तरह से, ये भी आई का, ये भी इस तरह से इसकी जो आईज होती, कंपाउंडेड आईज होती हैं, ये बनी होती हैं ओमाटिडा से, ये जो होती हैं ये ओमाटिडा से मिलके जो है वो बनी होती है, मोज़ेक विजन देती है। ये हेड्स के ऊपर जो होते हैं इनके एंटीने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एंटीने जो हैं, जो हमारे पास सेंटीपीड्स मिलीपीड्स हैं, उनमें वन पेयर प्रेजेंट होगा, और जो हमारे पास क्रस्टेशियंस हैं उनके पास जो है वो दो पेयर्स जो हैं वो एंटीना के प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स का ये काम करते हैं। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। सेक्सिस जैसे पिछली फाइलम में क्या हुआ था, सेपरेट हो चुके थे, यूनिसेक्सुअल डायोशियस थे, इसमें भी सेम रहेंगे हमारे पास। उसमें जो था वो केस था कि जो अर्थ बॉम्ब होते थे और जो लीच होती थी उनके अंदर जो थी अभी भी हर्मेफ्रोडाइट थे। वो नैरिस ने बोला था कि भाई मैं तो अलग अलग ही रखूंगा, मेल अलग होगी फीमेल अलग होगी, मुझे सेक्सिस इकट्ठे नहीं रखने हैं, ठीक है, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पे क्या है, सेक्सिस सेपरेट हो चुके हैं, यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस है, और इसके अंदर क्या होता है कि एक्वाटिक फॉर्म जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसी रहेगी, एक्सटर्नल रहेगी, जैसे कि एग्जाम्पल है प्रॉन का। और जो हमारे पास जो मोस्टली इंसेक्ट है, मोस्टली इंसेक्ट जो है वो कैसे करेंगे, उनके अंदर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी।
बट मोस्टली जो है इंटरनल ही रहती है। एक्सेप्शनल केस है कि एक्वाटिक फॉर्म में जैसे प्रॉन है तो वो कैसी करेगा, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स है वो ओवीपेरस वीवीपेरस भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ये जो है उसको क्या लिख रही है कि मोस्टली जो होंगे वो ओवीपेरस ही रहेंगे। और डिवेलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो डायरेक्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कॉकरोच के अंदर जो डिवेलपमेंट है वो कैसी होगी, वो डायरेक्ट डिवेलपमेंट होती है। लेकिन जैसे बटरफ्लाईज होगी, मॉथ्स होगी, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसमें लार्वल कैटरपिलर लार्वा आता है ना उसके अंदर, तो उसमें लार्वल स्टेजेस आती हैं, तो वहां पे जो डिवेलपमेंट रहेगी वो कैसी होगी, इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट होगी। सेक्सिस सेपरेटेड है, यूनिसेक्सुअल डायोशियस है। एक्वाटिक फॉर्म में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकती है, प्रॉन का एग्जाम्पल है, लेकिन मोस्टली जो इंसेक्ट है उनके अंदर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगी। ओवीपेरस वीवीपेरस हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ये ओवीपेरस है। डिवेलपमेंट डायरेक्ट है कॉकरोच के अंदर, कैटरपिलर लार्वा बनता है बटरफ्लाईज और बाकी बीज मॉथ्स के अंदर, उनके अंदर कैटरपिलर फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होगी। अब जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस फाइलम के, कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से जो इंसेक्ट्स है इस फाइलम के अंदर आते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल देके रखे हैं, एपिस दैट इज कॉमनली नोन एज हनी बी, कॉकरोच हमने पढ़ लिया था इसके अंदर, इसके अंदर जो है प्रॉन भी है, इसके अंदर जो है बटरफ्लाई भी है, ठीक है। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म जिसे कहते हैं, रेशम का कीड़ा, ठीक है। लैसीफर लैक इंसेक्ट भी जो है इस फाइलम के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर वेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग करते हैं, मलेरिया, एनाफिलेज, डेंगू, ठीक है, एडीज। ये एनाफिलेज, क्यूलेक्स, एडीज, ये मॉस्किटोज हैं जो कि क्या करते हैं, दे आर द वेक्टर, वो कोई भी डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास दो एग्जाम्पल और है, दो जो है हमारे पास ग्रीगेरियस पेस्ट जिसे कि लोक्यूस्टा या लोकस्ट भी कहते हैं, और एक इसमें भाई लोगों लिविंग फोजिल भी है, यानी कि इसकी बाकी की स्पीशीज जो है वो डेड हो चुकी है, लेकिन अपनी स्पीशीज का इकलौता मेंबर ये बचा है, दैट इज नोन एज किंग क्रैब लिम्यूलस। तो ये थी हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट फाइलम जो हम करेंगे दैट इज मलस्का। तो नेक्स्ट फाइलम के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।